सारे भैया ने राम राम भाई अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं थारा भाई पवन मलिक और भाई अब हमारे साथ बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हितेश पहलवान जी। पहलवान जी राम राम। राम राम जी। और आपके गुरुजी हैं साथ में तो कोच साहब राम राम। राम राम जी। राम राम। बहुत पहले ये बताओ स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ हैं। थोड़ी सी जानकारी हितेश पहलवान के बारे में लेना चाहूँगा, ठीक है बात है? बिल्कुल बिल्कुल। पहलवान जी एक बार तो अपना पूरा नाम हमारे दर्शकों को बताओ। मेरा भारत केसरी हितेश पहलवान बामडोली। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जी। पहलवान जी नौकरी भी लागे हो? हाँ नौकरी रेलवे में हो। पहलवान जी ये जो नौकरी लगी है ये इस पहलवानी की वजह से? कुश्ती के कारण नौकरी लग गई है, नेशनल में गोल्ड जीता था फिर नौकरी थी। पहलवान जी आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी खेती करते हैं। पहलवान जी कैसे मन बने आपका कि भाई मैं पहलवानी करूं? मैं अपने मामा के पास पढ़ता था, पहलवान जी मामा जी मेरे गुरु जी सगे मामा। हाँ सगे मामा है तो इनकी देख रेख में पहलवानी करी। ये अच्छे पहलवान है, रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो मैं भी इनके शौक का तय हो गया। पहलवान जी स्टार्टिंग कब से करी? स्टार्टिंग 2004-5 से। तो पहलवान जी जब शुरू शुरू में जब कुश्ती में आए खाड़ा में रहने लगे कुछ अड़चने आई? ना अड़चन तो थोड़ी बहुत आवे बस सीखने में टाइम लगे, बाकी और इसी कोई अड़चन नहीं आई। तो पहलवान जी आपके मामा जी के पास ही जा गए पहलवानी करने की, क्यों सोची? भाई मामा अच्छे पहलवान थे, मैंने सोचा मैं भी बढ़िया बनूंगा नौकरी लग गई। तो पहलवान जी अच्छे पहलवान रहे हैं? हाँ जी हाँ। पहलवान जी एक बार थोड़ी सी बताओ आपका भी कब से मतलब ये मन रहा कि मैं पहलवानी करूं और क्या अचीवमेंट आपकी रही? देखो जी मेरे बड़े भाई आर्मी में पहलवान थे, मेहता पहलवान, उनको देखते थे तो हमारे में भी शौक जगा और मैंने पहलवानी 88 से लेकर 98 तक की और 5 बार नेशनल खेले जिसमें 3 बार पोजिशन आई। जब हितेश स्टार्टिंग में आप दोहराया तो आपका मन में था ना कि भाई एक दिन यो पहले नंबर की एक नंबर की कुश्ती लड़ेगा, भारत केसरी बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपका नाम ऊपर लेगा? देखिए भाई पवन जी कोई भी प्लेयर अगर पहलवान नहीं करा, कोई भी किसी भी गेम का प्लेयर कोई गेम करता है तो उसको शुरू में मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा कोई भी प्लेयर होगा किसी भी गेम का वो आगे बढ़ेगा। इसने मन लगा के मेहनत करी, अपने कोई भी प्लेयर है अपने गुरुजियों का माता पिता का जो कहना मानने का वो आगे बढ़ेगा। ये कुदरत का नियम है, जिसने बड़ों का आदर किया है भगवान उसको फल देता है। अच्छा कोई एक वीकनेस, कोई एक वीकनेस आपने हितेश की हमेशा खली और आप इनको उस बारे में बताते रहे प्लीज़? देखो वीकनेस तो जो हमने चाहा था उस मुकाम तक ये पहुँचा, सिर्फ थोड़ा इसमें लगा कि मैट पे और ज़्यादा अभ्यास करता तो शायद और ऊँचे लेवल तक जाता। इसने साउथ एशियन गेम में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, सेफ गेमों में गोल्ड जीता और 8 बार इंटरनेशनल हुआ और कम से कम भी इस 15 साल की पहलवानी के अंदर 42 बार इसने रुस्त में हिंद का खिताब जीता। बहुत बढ़िया, तालियों के लायक है ये इतने सारे अचीवमेंट। कोई एक तगड़ा प्लस पॉइंट, तगड़ा जो आपको लगता है कि भाई ये हितेश में है और ये इससे बेस्ट कुछ नहीं? हितेश के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये कि ये शरीफ पहलवान है, अपने अखाड़े से अपनी प्रैक्टिस से और अपनी डाइट से ही संबंध रखता है, ये घूमता फिरता नहीं, प्रैक्टिस करके अपने कमरे में रहता है। आज तक का सबसे टफ मतलब मुश्किल तो जीता है मुकाबला को याद है? मुश्किल तो घने हैं सब बगैला कुश्ती तो काटा कर दियो सारे बढ़िया हो कंपटीशन तो। हितेश पहलवान जैसे एक तो अपने लोकल पहलवान हरियाणा के, एक फिर बाहर जाओ हो तो पंजाब के महाराष्ट्र के पुणे साइड के बहुत बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती हुई होगी, क्या डिफरेंट रहता है उनमें कुश्ती करते हुए? कुछ नहीं, जो बढ़िया कर रहा हो जीत जाए। पहलवान जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब लड़ो हो बाहर के विदेशी गोरे काले तरह तरह के लड़न तो ही मिले, तो पहलवान जी कुछ है उनमें कुछ इन अपना लिया मरून में कुछ फर्क है? ना कोई फर्क नहीं भाई, बराबर सारे जो पहलवानी जो प्रैक्टिस कर रहा हो जीत जाए, जो ना कम कर रहा हो हर जगह। पहलवान जी आपका स्टार हर कोई किसी का बेस्ट होता है तो आपका भी कोई बेस्ट पहलवान है? मेरा मम्मा है मेरा तो बेस्ट। तो गुरुजी राजी हो गए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, अपने जो बच्चे हैं कोई भी प्लेयर है हमें ये नहीं कि हितेश ही, जो भी हिंदुस्तान का प्लेयर अच्छा करता हमें अच्छा लगता है। पहलवान जी की कुश्ती आपने देखी? ना जी मैंने नहीं देखी, मतलब वो सौभाग्य नहीं मिला? ना प्रैक्टिस तो करी, पहलवान जी ने जोर कराया मेरे,
इकट्ठी प्रैक्टिस करी लेकिन कुश्ती नहीं देखी। जब शुरू शुरू में पहलवान जी आपके जोर करा करते तो आपने हराए, पहलवान जी ना हराए कदे? हाँ, पहलवान जी तगड़े थे, मेरे जोर पूरे कराए, चित करे हार दे। तो गुरु जी पहली बार याद है इतेश ने आपको हराए? देखो अब वजन भारी हो गया, ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे, हम घर गृहस्थी में बढ़ गए और पहलवानी में जो ब्रह्मचारी रहेगा उसमें पावर बढ़ेगी और वो अच्छा करके दिखाएगा। कुछ सब याद मतलब मन में शांति तो आई होगी जिस दिन हितेश से हारे हो गए, वो मन याद तो रहता होगा भाई मैं कद हरा हुआ। देखो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में जो गुरु से अगर शिष्य ऊपर होगा तो बड़ी खुशी होती है, उसमें अच्छा लगा। हितेश पहलवानी में अपनी रेसलिंग का कोई खास दोस्त है, कोई है कोई नाम? बस सारे दोस्त बढ़िया हैं, सारे ठीक से। एक बात मेरा बहुत खली जा रहा है, आज भी मैंने देखा जब दंगली कुश्तियाँ होती हैं जैसे आज एकेडमी में सुशील कुमार एकेडमी में हुई, ये बराबर वाला क्या मैटर होता है? बराबर क्यों मतलब कैसे हो जाता है ये बराबर? भाई जो ऊपर नीचे पॉइंटा का तो फैसला होता नहीं, तो इसमें कई बार ऊपर नीचे अंदर बाहर हो जाए, इस करके बाहर बराबर के हुए हैं, चितपट कम हुए हैं। अच्छा जैसे जो मैं जब इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरे इंटरव्यू में एक दो कड़वी बात आए जा रहे हैं, मन मना लगा छो भी उठ जाए, तो यहाँ भी है एक नूरा जो कुश्ती चली हो रही है पिछले कई सालों से, कुश्ती का लेवल बहुत मतलब इस वजह से ही डाउन आया, दंगली कुश्तियाँ बहुत कम होगी, क्या बोलोगे हितेश पहलवान भाई? चल रहा है, यू फंड भी चल रहा है, नूरा कुश्ती होंगी तो उनके फैसले सेट दिन हो जाएंगे, लाख ले जाएंगे। इब काटा गोलाई हुई है तो थोड़े 25% मिले हैं, आधे मिले हैं, जब मतलब भी आधे मिले हैं। अच्छा कम मिले हैं, और जब ऊँ होती तो लाख लेकर जाऊँ। तेज पहलवान का मतलब जैसे जब भी पहलवान का है ना भाई, पहलवान बनना कोई घर खा कर पहलवान बनाया है, तो पहलवान जी सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में सहयोग किसका रहा? मेरा पहलवान जी का रहा है सारा, मन तो बेरा पटिया नहीं कर खाने का, और के मैं अपने खाड़ा में रहे प्रैक्टिस करेगा, खाना मिलेगा। पहलवान जी का खाड़ा कितना है? बामडोली में, अपने घर में बना रखे है। घर में कितने बालक अब प्रैक्टिस कर रहे हैं? 40-50 बालक से। आपके लेवल का कोई और है जो अब आपके जोर कराओ? हाँ हाँ, मनजीत पहलवान है, जो 2 नंबर पर लड़ा था पहलवान है, वो अपने पास है, 4-5 पहलवान और हैं बढ़िया। हितेश नेचर वाइज किसा इंसान है कोई के? हितेश नेचर वाइज आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, हितेश नेचर वाइज कैसा इंसान है? कदे को कड़वा सवाल पूछ लू रहा जना बारह पहलवान मार ना भाई ठीक से सवाल तो पूछने चाहिए भाई, उसका मेरा मुको कमी हो मन बेरा लाग जाए। आउट ऑफ इंडिया विदेश का कोई रेसलर ऐसा है जिसकी कुश्ती देखना हितेश को बहुत ज़्यादा पसंद है? मैं अतुरता हिमाचल कुश्ती राज्य को देखे आ रहा हूँ जी। अपनी खुद की कुश्ती जब आप जीते या हारे कुछ भी होया, आप अपनी खुद की कुश्ती YouTube वगैरह के माध्यम से या देखते हो? हाँ देखे आ रहा हूँ कुश्ती, अपनी सारी देखूँ मैं, उसमें जो गलती लागे उन्हें अपनी सुधारने की कोशिश करूँ भाई, अगली कुश्ती में गलती ना हो। पहलवान जी इन द फ्यूचर आगे भविष्य की क्या तैयारियाँ हैं आपकी? भविष्य में भाई जब तक शरीर में ताकत है कुश्ती लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा और आगे। पहलवान जी शादी कब हुई? शादी 4 साल हो गए। कितने बच्चा हुआ कोई? हाँ एक बिटिया। गुड़िया को भी रेसलिंग में लेके आने का मन बनेगा? हाँ हमारे तो पहलवानी करेंगे भाई। कोच साहब एक बार प्लीज बताना भाई साहब के जो इतने लंबा सफर दंगली कुश्तियाँ बहुत ज़्यादा लड़ी, जीती भी, बराबर भी रहे, हारे भी, तो कैसा लगा आपने इतनी बढ़िया पहलवानी के? देखो ये तो मेरा खुद का भांजा हो गया और शिष्य हो गया, जो भी प्लेयर अच्छा करता है किसी भी गेम का हो हमें अच्छा लगता है, और हितेश ने जैसा हमने चाहा वैसी पहलवानी की। सबसे बड़ी इसमें शराफत है, शराफत के कारण 15-16 साल हो गए आज तक चल रहा है, और कोई भी प्लेयर चलेगा वो अपनी नेक नीति से रहेगा, दूसरों की इज्जत करेगा, गुरुजियों की इज्जत करेगा, माँ बाप की इज्जत करेगा, और जनता का आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। पहलवान जी कोई मैच हारे हो, कोई फाइट हारे हो, नू लगे आज तो पक्का जीतूंगा, फिर भी हारे हो, याद है भाई जी? तो कई कुश्ती हुई, कोई एक बताओ भाई। क्या बताऊँ, कई कुश्ती हुई है, नेशनल की तैयारी कर रखी थी, नवीन मोर पहलवान जी तो हरियाणा में हार गया, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कर रखी थी, नू बेरा था जीतूंगा। तो पहलवान जी जब हार है दिल सा टूटा है, तो कदे नू भी आई यार बहुत हो गया, बहुत हार गया यार मतलब दिल टूटा कदे?
ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੱਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਮੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਦੰਗਲ ਜੋ ਦੰਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ना भाई मैट भी पसंद है, सीनियर में भी गोल्ड है मेरा, जूनियर में भी बार के टूर भी हैं। मैट पर करी जब मैट पर बढ़िया पोजीशन आई, माटी में करी जब माटी में बढ़िया आई। आपका गांव? मैं दोनों जगह बढ़िया लड़ लूँ, मैट पर माटी में भी दोनों बराबर हैं। आपका जो गांव है? मेरा गांव महमदपुर है गोहाना के पास। गांव ने कितना सहयोग दिया? गांव ने भी पूरा साथ दिया भाई। आज इस लेवल पे हो, जब कितने भी जाओ हो, इतिहास पहलवान आ गया, एक अलग ही पहचान मिला है, गौरव सा महसूस होता होगा? हाँ भाई इज्जत तो मिले है भाई, दस आदमी राम राम करने वाले फिट हैं। पहलवान जी जैसे जो पहलवानी लाइन है ना, उसमें एक तो बात और हो जा रहा है, जब नया नया उठने लग गया मुड़ी जान हो जा तो और डाल चलन लग जा, दो नंबर के काम ठाडा बन गया भाई, मैं उसको पीट दूंगा, रुपये ले आऊंगा, एक ऐसे मन में कदे नहीं आई ना भाई, टाइम में लग गया। प्रैक्टिस करके अपना रेस्ट करेगा। पहलवान जी डाइट शेड्यूल क्या रहता है लगभग? डाइट शेड्यूल ये है भाई, मैं नॉन वेज भी वेजिटेरियन दोनों डाइट खा लूँ। पहलवान जी प्रैक्टिस टाइम क्या रहता है? प्रैक्टिस टाइम पे पहले आवड़ा मुरबा खा कर ने बाद में बादाम पी लो प्रैक्टिस के बाद में। पहलवान जी एक चीज़ और चल रही है गेम में, बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह का नाम लोग जोड़ देते हैं, पहलवान खा ले हैं वो खा ले हैं, उस पर क्या बोलोगे भाई? ड्रग्स वाला एक दो साल तो चल लगा, लंबा नहीं चल लगा, न्यारा दिख जाए ड्रग्स वाला भाई, वो चढ़ाव है उतार है, अपना तो पूरा साल एक से रहा, 15-17 साल हो लिए एक का स्पीड पे हाँ। बोलो जी बॉडी बनाने का, कुछ एक्स्ट्रा बॉडी बनाने का, दिखाने का कुछ ऐसा शौक भी हुआ भाई? नहीं हुआ, भगवान की देन है यार। ठीक करिए भाई इसका नमड़ा। हाँ भाई बताइए। पहलवान जी 18 साल से लगातार पहले नंबर पर लड़ रहे हैं छुट्टियों पर, और इनका साउथ एशियन गेम्स में मेडल है, और ये सरकारी भारत केसरी बने, वैसे नहीं जैसे घर घर में कोई करा देता कोई भी, तो ये जैसे टाइटल होते हैं ना, जैसे 2-3 दिन लड़ते हैं हिंद केसरी भारत केसरी, तो 40 बार खिताब जीता पहलवान जी ने, और पहलवान जी का एशिया में मेडल है, जूनियर एशिया में और कॉमनवेल्थ में मेडल है, और साउथ एशियन गेम्स में और विदेशों में भी लड़े अच्छे, फिर उनके बाद नौकरी ऐसी होगी, फिर मैट के बाद इन्होंने फिर मट्टी में भी रुस्तम पहलवान हिंदुस्तान में, कर्नाटक महाराष्ट्र जम्मू इन्हें तरसती है दुनिया देखने के लिए, जब वहाँ दंगलों में जाते हैं तो, यानी हीरो माना जाता है पहलवान जी को, और शरीफ और नेचर, इनका नेचर बताता हूँ, मदद करते हैं सबकी, कोई गरीब हो गौशाला हो, यानी ये एक आदमी होता है अपना खाना अपना ही खाना, इनका काम है अपना भी और दूसरे का भी काम चले साथ। बहुत बढ़िया पहलवान जी ने कहानी है, बढ़ाई करी किसा लग गया? बढ़िया लग गया, इसने ऐसा लग गया, मैं तो कह दी। ठीक है भाई। पहलवान जी एक सवाल और, पहलवान जी पहली ऐसी अचीवमेंट जब आपने नो लग गया कि ई मैं पहले नंबर की कुश्ती या मतलब भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लड़ूंगा भाई? मैं पहली बार दिल्ली केसरी बना जब ज़्यादा खुशी हुई थी कभी, फिर बाद में तो बार बार बनने को मतलब आम बात होगी, जो शुरू में एक बार बने ना भारत केसरी उसमें ज़्यादा खुशी हुआ। बहुत बढ़िया बात पहलवान जी ने कही है, जो शुरू में जो कोई अचीवमेंट आओ उसके बाद बहुत ज़्यादा मन खुश हो है, तो भाई पहलवान हैं दोनों, इन्हें गणियान बिठाए रखूँगा तो छो में भी हजार कुश्ती लड़का रहा पहलवान है। तो पहलवान जी आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हीरा तरासिया इतना बढ़िया और बहुत अच्छे नेचर का लगा मैंने भाई साहब, बहुत अच्छे प्यार प्रेम से बात करी, तो आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और इसे पहलवान धड़ाधड़ तरास हो। बहुत बहुत थैंक यू भाई आपका पवन भाई, और आपके ही माध्यम से लोगों में ये जाता है कि अच्छा प्लेयर जो सब चीज़ों से नशे से बुराइयों से समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनसे दूर होकर जो भी प्लेयर बनेगा वो अच्छा बनेगा, बड़ा अच्छा लगता है। इतेश भाई धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और मैं कहूँगा भाई धन्यवाद भाई, भाई नुए धड़ाधड़ दंगल जीती जा रहे, ठीक है भाई सारे भाइयों ने, राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणवी जय हिंद।